ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां दारू कंपनी के चार गुंडों ने हरिजन युवक की कार के अंदर 3 घंटे तक की पिटाई, और दिखाएंगे झाबुआ में कैसे रेलिंग तोड़ नदी में जा गिरा ट्रक। आगे चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां स्कूल में नकब लगाकर पैसों की चोरी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत दारू कंपनी के चार गुंडों ने हरिजन युवक को रास्ते से उठाकर कार का शीशा बंद कर 3 घंटे तक पिटाई की। ओटापुरवा ग्राम पंचायत अंतर्गत रामपुरा गांव का अजुद्दी अहिरवार पिता ग्यासी अहिरवार उम्र 30 वर्ष डरुआ पटेल के घर से कच्ची दारू लेकर घर जा रहा था। रास्ते में दारू कंपनी की कार खड़ी थी, कार से चार लोग उतरे। अजुद्दी अहिरवार को जबरन दबोच कर कार में पटक दिया। कार के शीशे बंद कर रामपुरा से पिटाई करते हाईवा से बमीठा और फिर बमीठा से गंज एक व्यक्ति के घर ले गए। वहां पर पिटाई की, जबरन दारू पिलाई, फिर लात घूंसों से डंडे पिटाई के बाद रात्रि 10:30 बजे रामपुरा में छोड़कर कार से भाग गए। रात्रि में गांव वालों के साथ थाना बमीठा में रिपोर्ट दर्ज की। दारू कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी के चर्चे गांव-गांव में चल रहे हैं। कंपनी के गुंडे किसी घर में जबरन घुस जाते और मारपीट करना आम बात होती जा रही है। आखिर दारू कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी पर प्रशासन अंकुश लगाएगा? ये दारू कंपनी के गुंडों का आतंक आमजन के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में घायल अजुद्दी अहिरवार और SDOP खजुराहो का क्या कुछ कहना है। क्या नाम, कौन से गाँव के हो? मेरा नाम अजुद्दी अहिरवार, ग्राम रामपुरा का हूँ। क्या हो गया आपके साथ, क्या घटना, पूरी बताए। सर, मैं एक शुक्ला पटेल के यहाँ दारू लेने के लिए गया था, तो फिर यहाँ पर ठेका के लड़के पहुँचे चार। उनने मेरे को वहाँ से पकड़ा, पकड़ के वो लिया, गाड़ी में डाला, कांच बंद किए, खिड़की बंद की, फिर वो मेरे को मारते रहे। और इसी हाईवे रोड पर वो मेरे को यहाँ से वहाँ घुमाते रहे, फिर गंज में ले गए मेरे को। मेरे को उसका नाम पता नहीं है कि किसके घर ले गए वो, और फिर उनने वहाँ पर अंदर ले के मेरे को वहाँ पर भी मारा, और फिर शराब भी पिलाई मेरे को वहाँ पर मारते मारते। सर, आपको कहाँ छोड़ा गया, कितने बजे? सर, फिर वो मेरे को मेरे गांव ही छोड़ के आए हैं रामपुरा में, वो करीब 10 के करीब। सर, एक बमीठा का मामला है, अवैध शराब से लेकर। बमीठा में रामपुरा गांव के निवासी अजुद्दी अहिरवार के द्वारा इस प्रकार की कल रात को थाने में रिपोर्ट की गई है कि वहां दारू जो ठेकेदार है उसके संबंधित व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की है, ऐसा उसके शंका जाहिर की गई है। नाम उसके द्वारा नहीं बताए गए किसी के, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और भी इस तरह की कोई शिकायतें मिल रही है दारू के संबंध में, जिस पर सभी TIO को निर्देशित किया गया है, और उसकी हम कड़ाई से समीक्षा करके उस संबंध में जानकारी एकत्रित करके कार्रवाई कराते हैं। छतरपुर से CNews संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर चौपारण से, जहां GT रोड पर पशु तस्करों ने इन दिनों नए नए तरीके से कर रहे हैं अवैध कारोबार एवं तस्करी। थाना प्रभारी दीपक सिंह द्वारा बताया गया कि रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर गया की ओर से एक DCM क्रूरतापूर्वक ऊँटों को लोड कर तिरपाल ढक कर बध करने के उद्देश्य से बंगाल ले जा रहे। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस क्रम में वाहन चेकिंग ड्यूटी में तैनात जवान के द्वारा बैरियर लगा दिया गया, जिस कारण वाहन का चालक अपने वाहन को रोक दिया और वाहन से उतरकर दो व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में 3 स्मार्ट मोबाइल बरामद हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में हजारीबाग कारावास भेज दिया गया है। चौपारण से CNews संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। झाबुआ के अंतरवेलिया के पास अनास नदी पर बने पुल से तेज रफ्तार ट्रक रैलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। ट्रक में चालक और उसका सहायक मौजूद था, चालक को चोट आई। पुलिस ने इलाज के लिए चालक को अस्पताल पहुंचाया था, और नदी से चालक के सहायक का शव मिला है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला है। मृतक का नाम अजयपाल निवासी अंतरवेलिया का बताया जा रहा है। मामले की ज्यादा पड़ताल में अंतरवेलिया चौकी पुलिस की टीम जुटी हुई है। घटना के बाद ट्रक को नदी से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रक में पानी भरने की वजह से 3 मशीनें भी कम पड़ रही थीं। काफी देर तक चली कोशिश के बाद ट्रक को नदी से बाहर निकाला गया। दूसरी ओर हादसे को देखने के लिए पुल पर ही लोगों का जमघट लग गया। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया का क्या कुछ कहना है। रात को 2 बजे के करीबन एक ट्रक झाबुआ तरफ से आ रहा था, ट्राला था, ड्राइवर
तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया था और अनियंत्रण होने से वह अनास नदी में गिर गया। ड्राइवर निकल गया उसमें से और उसके साथ में एक सेकंड ड्राइवर था, उसकी मौत हो गई। मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है, जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अंतर्विलिया का लेने वाला है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। झांसी के गुड़सराय में जिन बिंबों के 40 मनोहारी जिन बिंबों के नगर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। नगर के बाजार स्थित नवनिर्मित पार्श्वनाथ दिगंबर जिनाले के 40 मनोहारी जिन बिंबों के नगर आगमन पर भव्य शोभा यात्रा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर गुराई बाजार से प्रारंभ हुई, जिनका पूजन ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अर्जरिया, कार्यक्रम संयोजक चौधरी सनत जैन, जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश जैन, प्रकाश चंद्र जैन, राजेंद्र जैन, योगी जैन, जिनेन्द्र जैन ने विधिवत किया। रथों पर सवार 40 जिन बिंबों के मनोहारी विग्रह सवार थे। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जगह जगह स्वागत किया। नवनिर्मित जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रजनी भाई दोषी हिम्मतनगर के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर पंडित ब्रजकिशोर व्यास, राजू पालीवाल, मेजर अखिलेश पिपरिया, शिखर चंद्र जैन, विनोद जैन, प्रमोद जैन, धन्य कुमार जैन, महेंद्र जैन, कमल पक्का, श्रेयान जैन, सतीश चौरसिया, मनोहर राव नेवालकर, रामनारायण पस्तोर, पार्षद गोविंद सिसोदिया, सुशील स्वामी, प्रसिद्ध नारायण यादव, देवेंद्र घोष सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। गुड़सराय गरौठा से सीरियो संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के कस्बा कांट में 19 मई को एक स्कूल में नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य ने कांट पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उनके स्कूल में नकब लगाकर चोरी कर ली गई, जिसके बाद कांट पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और चोर की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने चोर की तलाश करते हुए आज सफलता हासिल कर ली और चोर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए SP देहात संदीप कुमार मीणा ने स्कूल में नकब लगाकर चोरी करने वाले चोर स्कूल साइकिल स्टैंड के ठेकेदार के, जहां पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 90,000 रुपये बरामद किए हैं। SP ग्रामीण ने बताया कि आरोपी से और अधिक पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में SP देहात मुरादाबाद संदीप कुमार मीणा का क्या कुछ कहना है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? कांट में 19 मई को एक चोरी हुई थी, एक स्कूल में हुई थी ये चोरी। स्कूल का नाम है DSM स्कूल। उनके प्रधानाचार्य श्री कुमार देव अवस्थी साहब द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई 20 तारीख को कि उनके स्कूल में किसी ने कुंबल लगा के चोरी कर ली है और चोरी पैसों की है। तो सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आगे की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम है फुरकान, जो उन्हीं के स्कूल के पास में एक आम का बाग है, उसका ठेका लिए हुए था। साथ में ये व्यक्ति स्कूल के अंदर एक स्कूल साइकिल स्टैंड था, उसकी भी ये वहाँ पे ठेके का काम करता था। तो जांच में जब सारी चीज़ें निकल के आई तो इनमें कई लोगों से हमने पूछताछ की, इनसे भी, फुरकान से भी पूछताछ की और स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। तो पूछताछ के अंदर जो तथ्य प्रकाश आया उसमें शक फुरकान पे गया और फुरकान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इसके ऊपर पहले से कर्जा था और कर्जे के चक्कर में इसके मन में लालच पैदा हुआ और लालच को अपने पूरा करने के लिए इसको पता था स्कूल के अंदर, चूँकि इसका आना जाना था तो इसको ये पता था स्कूल का जो फीस की पैसे आते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं। तो इसने स्कूल से करीब 1.5 लाख रुपये चुराया और उसमें से चुराने के बाद इसने करीब 60,000 रुपये उसमें से अपने कर्जदारों को चुका दिया। इसने उनका नाम भी बताया और 90,000 रुपये इससे हमें बरामद हो गए। उसके अलावा जो स्कूल में इसने कुंबल लगा गए, जो उपकरण थे, जो सरिया था, जो हथौड़ी थी, जो सारी चीज़ें हमें बरामद भी हो गई। इनका आपराधिक इतिहास तो ऐसा भी निकल के आया नहीं, फिर भी इसकी जांच की जा रही है। ठीक है सर। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।